नमस्कार दोस्तों, तुसी देख रहे हो KRT न्यूज़ ते मैं हां लक्की सरोच। तो इस वेले खड़ा हाँ पठानकोट के AB कॉलेज रोड से, जिते कि तस्वीरां तुसी देख सकते हो कि इत्थे दे लोकां वल्लों जिहड़ा रोड जाम कर दिता गया और काफ़ी ज़्यादा जिहड़े महल्लावासी ने वार्ड नंबर 12 के इत्थे मौके पर पहुँचे हुए हैं। तुहानू दस दईए कि पिछले लंबे समय तो इस इलाके के लोगों को काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि जिहड़ी चक्की का पानी के बहाव कारण लोगों के घर जिहड़े ने वो चपेट च आ सकते थे। तुहानू दस दईए कि काफ़ी लोग जिहड़े ने 20 तों 25 घर जिहड़े ने अपना घर शिफ्ट करके इत्थे जा चुके हैं। तो इस सारे मामले उपर कई मंत्री कई नेतावान ने इस मौके पर आके मौका देखा, पर कोई जड़ा हल हुंदा नज़र नहीं आया। तो इस करके अज महल्ला वासियां ने वार्ड के पूरे पार्षद से BJP के प्रवक्ता जुगेश ठाकर नूं नाल लैके जिहड़ा नैशनल हाईवे जाम किया। तो उस तो बाद जिहड़ा रोड जाम करन तो बाद SDM पठानकोट काला राम कांसल अते उन्हां नाल बाकी प्रशासनिक अधिकारी जिहड़े मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिता, जिस तों बाद धरना चक लिया गया। तो तुहानूं दस्सदे सारी गलबात की है, तो गलबात कराने लोगों की मंग है, तो प्रशासनिक अधिकारी नाल भी गल कर की हैगा सारा मामला। देखो ये रोड जाम जिहड़ा है किसी ने खुशी नाल नहीं किया, यह लोगों ने दुखी मन के नाल जिहड़े 26-27 घर बिल्कुल 200-250 फुट की जिहड़ी चक्की है वो घर के गेट तो सिर्फ 18-20 फुट दूरी पर रह गई है। जदों घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने जो 200-250 फुट की चक्की नज़र आती है, वो एक बड़ा डरावना भया दृश्य है। काफ़ी सारे परिवारों ने अपना समान भी शिफ्ट कर लिया, बड़ा दर्दनाक। दिहाड़ीदार है उन्होंने जीना भी खाना पीना भी औखा होएगा, तो प्रशासन के बड़े बड़े अफसर आए, उन्होंने आश्वस्त किया पर काम कोई शुरू नहीं हो रहा। एक एमरजेंसी सैंडबैग का प्लस रॉक कटिंग का एक कुप्पड़ हैगा, छोटी जी पहाड़ी है चक्की के विचों विच, उसकी कटिंग वास्ते आज आश्वस्त किया। कल एक्सीडेंट SC साहब की मीटिंग साढ़े 5 लोगों नाल SDM साहब के दफ्तर से भी 10 बजे फिक्स हुई है, तो 2 या 3 दिन के ही कहें चक्की का कार्य थोड़े शुरू करवा देंगे। और वास्ते मैं अपने तौर पर कहता भी जे प्रशासन को किसी तरह की कोई दिक्कत है रॉक ब्रेकर असी प्रोवाइड करवा देंगे, रॉक ब्रेकर दे देंगे, वो चक्की और जी चक्की की कटिंग है जे उ हो जाती है तो 70-80% की समस्या हल हो जाती है। उस तो बाद असी चाहते हैं भी इस बारी करेटा का काम नहीं होना चाहिए, जो टेंडर भी लगवा रहे हैं वो कंक्रीट वॉल का जिन्होंने स्पर कहा जाता वॉल लग रही है बड़ी वड्डी, असी भी समझते हैं भी अंडर प्रोसैस है काम। अश्विनी भाजी ने साडे पंजाब के अध्यक्ष साडे MLA है, उन्होंने काम इमीजिएट 2 काम, एक 5.5-6 करोड़ रुपए का जरा टेंडर का, तो 1 30 लाख रुपए के एमरजेंसी सैंडबैग का, दोनों काम करवा के सानू जरा प्रोसैस पेपर है वो WhatsApp के उत्ते मैनू भेजते थे, असी उन्होंने भी बड़े आभारी हाँ। तो पंजाब सरकार अगे भी अपील है भी इस काम से हम बिल्कुल देरी जी है नाकाबिलिया बर्दाश्त होगी। अज असी जरा धरने के रिलीफ दिता, कल असी नैशनल हाईवे पूरी फुल फ्लैज जाम कर देंगे, जो सानू कल SDM साहब तो भी कोई आश्वासन नहीं मिले। हूँ जड़े है ना जो तक काम चक्की शुरू नहीं होएगा उदों तक असी जरा घर के सुख का सह नहीं लेना। डेढ़ महीना ही चलिया है लोगों आते, पर साड़ी सरकार कोई मंग पूरी नहीं करती पे। डेढ़ महीना ही चलिया है समान अहें घर तो बाहर कढ़ी लेदा, जदों ये दिखण आए ना सारे अफसर दिखण आए ना, उस तो बाद दे विच दरिया साडे घरां दे बिल्कुल नाल आई गया है, कि अहें डेढ़ महीना ही है कोई साड़ी सुनवाई नहीं करता पिया। अहीं यही आखने कि जल्दी तो जल्दी साडे काम लग्या जाए तो साडे घर बच जाए। हाँ जी, साडी मंग ये है पर साढ़े कि रोटी पानी नहीं आई खाते, बच्चे साढ़े बाहर लुलते रहते, जिसे बाहर नहीं कटते, अं कोई रिश्तेदार आए कोई बाहर नहीं कटते, अं अंदर अंदर रहने, जिसे चक्की वाल देखने तो हम डर लगता है। तो साड़ी मंग जी पूरी करनी चाहिए, जोड़ा कोई आता है इस तरह देख के चल जाता, तो हम सा कोई हल करना चाहिए। डिपार्टमेंट दस सकता, मैं इन्होंने कहा साडे दफ्तर से मीटिंग मैं इन्हों की ऑर्गेनाइज करवा रहा, जे मानते हैं तो मैं उदो डिपार्टमेंट जो है एक्सीन माइनिंग तो SDO उन्होंने वो बुला लाँगा, तो आपस में इन्हों की डिस्कशन करके जोड़ा भी इमीजिएट सोल्यूशन पॉसीबल है वो करवा देंगे। चट्टान वो सारा कुछ देखा होया, उन्होंने भी पता है, नोटिस है महकमे ने, इन्हों भी पता है, ये मतलब जोड़ा भी यदा हल होया ना एमिकेबली जिम्मे जिस तरह का टेक्निकल सोल्यूशन पॉसिबल है, कई टेंपरेरी कहते हैं एक्चुअली महकमा ज्यादा दस सकता है क्योंकि टेक्निकली वो स्किल्ड ने, वो ज्यादा दस सकते हैं, उन्होंने इन्हों की मीटिंग करवा देंगे, जोड़ा भी सोल्यूशन इमीजिएटली मतलब पॉसिबल होया करवा देंगे। पहला पानी का फ्लो ज्यादा क्योंकि उज रिवर का जरा चक्की रिवर का पानी का फ्लो काफ़ी ज्यादा फ्लड सीजन, तो फ्लड सीजन इस तरह के काम जोड़े है प्रीकॉशन वाले मतलब जोड़े लॉन्ग टर्म प्रीकॉशन वाले काम ने, वो फ्लड सीजन च नहीं हो सकते। फ्लड सीजन 15 सितंबर को खत्म हो रहा है,
उस तो बाद टेंडर वगैरह लगाएंगे, टेंडर लगा के फिर काम शुरू होएगा, तकरीबन मतलब एक महीने तक काम शुरू हो जाएगा। पर सर ये लंबा प्रोसेस है, हर बरसात में सेम कंडीशन होती है, लोग उठते हैं फिर ना हूँ इस बार उन्होंने जो डिजाइन किया है काफ़ी मतलब कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट है वो जी। मान के चलिए सर कि ओदे नाले समस्या दा परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा जी। मान के चलिए कि नेक्स्ट नेक्स्ट ओदे विच प्रॉब्लम नेक्स्ट बरसात दे विच ये प्रॉब्लम नहीं आंदी।